नमस्कार, मेरा नाम है रिक हॉल और मेरी एक कंपनी है इंग्लैंड में, नॉटिंगम में, जिसका नाम है इग्नाइट। इग्नाइट एक काम करती है कि स्कूल के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाती है। बच्चे सरल सरल से प्रयोग करते हैं और उनसे विज्ञान सीखते हैं। मैं कुछ दिनों से आयुका के बाल विज्ञान केंद्र में हूँ, पूना में। यहाँ पर मैंने कई सारे प्रयोग दिखाए हैं। आज जो मैं आपको प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ वो एक स्लिंकी से है। किस तरह से आप स्लिंकी से बेहद मज़ेदार आवाज़ें पैदा कर सकते हैं, बहुत से लोग स्लिंकी से अवगत होंगे। स्लिंकी एक स्प्रिंग जैसा विज्ञान का खेल है जिससे बहुत लोग खेलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस स्लिंकी से मज़ेदार आवाज़ें कैसे निकाल सकते हैं। ये तो आप डोर के टुकड़े लें, डोर के एक सिरे में आप छोटा सा एक छल्ला बना लें और दूसरे सिरे को आप स्लिंकी के जो पहला छल्ला है उससे बांध दें। इसी तरह से दूसरी डोर में भी एक तरफ छल्ला होगा और दूसरी उस हिस्सा उसका स्लिंकी में बांध दें। अब ये छोटे से जो डोरे में छल्ले होंगे वो इतने बड़े हों कि आपकी तर्जनी उंगली में फिट हो जाए। अब मैं दूसरे डोरे को भी बांध रहा हूं। इस तरह हमारी स्लिंकी जो है वो दो डोरों से बंधी होगी। अभी देखिए मेरा प्रयोग तैयार है। अब मैं इन दोनों छल्लों में अपनी तर्जनी उंगलियां डालूंगा और फिर उंगलियों को अपने कान में रख लूंगा, डाल लूंगा। उसके बाद मैं स्लिंकी को ऊपर नीचे करके हिलाऊंगा और उससे बेहद मज़ेदार आवाज़ें मैं सुन पाऊंगा। देखिए आप ये आवाज़ें शायद ना सुन पाएं, पर मैं अभी आपको कुछ बच्चों के प्रयोग दिखाऊंगा और आप देखें उनको इस प्रयोग में कितना मज़ा आता है। अब देखिए हमने क्या करा है, इस काली वाली स्लिंकी के अंदर दो के बजाय चार डोर बांधे हैं जिससे कि दो बच्चे आराम से इससे मिलकर के खेल सके। आप दो से भी ज़्यादा इसमें डोरे बांध सकते हैं जिससे कई बच्चे इससे खेल सके। अभी देखिए कि ये दो लड़के खड़े हुए हैं। इस वाली स्लिंकी के अंदर चार डोरियां हैं। पहला लड़का दो डोरियों के छल्लों में अपनी तर्जनी उंगलियां डालता है, वैसे ही दूसरा करता है। अब ये दोनों लड़के अपनी अपनी उंगलियों को कानों में दबा देते हैं। उसके बाद जब मैं स्लिंकी को छोड़ता हूं ऊपर से तो स्लिंकी कंपन करती है और उससे उन्हें बेहद मजेदार आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई साइंस फिक्शन की फिल्म में बच्चे सुनते हैं। इसको अनुभव करना बेहद मजेदार होगा। अब यहां पर एक स्लिंकी में हमने बहुत सारे डोरे बांधे हैं और देखिए चार बच्चे आपस में मिलकर के इन आवाजों का आनंद ले रहे हैं। तो एक तरह से ये गेम ऑफ कोऑपरेशन भी है, एक सामूहिक खेल है। और स्लिंकी से आप किस तरह से तेज मजेदार आवाजें पैदा कर सकते हैं उसकी भी एक बहुत अच्छी मिसाल है।